मिनिस्टर से पहले हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं ना। त्रिपुरा से आई है सांतना चाकमा। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह उठे थे हम लोग जो है पूरा काम वगैरह करने के लिए, लेकिन लाइट ही चली गई है, पानी अभी नहीं आ रहा है, तो पूरा काम पूरा बंद पड़ गया। तो मैंने जो है कुछ पानी लेके आया हैंडपम्प से। आजकल जो है पूरा लाइट नहीं आने से बहुत बोरिंग लगता है। पहले क्या होता था, पुराने जमाने में हम लोग जब थोड़ा ये मोटर वगैरह नहीं थे, हम लोग इतना सुबह सुबह उठ के पानी पूरा हैंडपम्प से लेके आते थे। तो टेक्नोलॉजी आने के बाद इंसान लोग जो है काफ़ी बोरिंग हो चुके हैं, काफ़ी आलसी हो चुके हैं। तो ये है टेक्नोलॉजी का असर। तो थोड़ा बहुत बीच बीच में फिट भी रहना ज़रूरी है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मूली सूख रहे हैं गाइस। दिस इज वेरी मतलब बहुत ही हम लोग का अच्छा सब्जी है, बहुत ही टेस्टी। तो आप लोग कभी आते हो तो मैं ज़रूर से खिलाऊंगा। मूली को सुखा के हम लोग जो है एकदम राइस ग्रेवी के साथ जो है ड्राई फिश देके पकाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप लोग मिस नहीं करना चाहोगे एक बार अगर टेस्ट करोगे तो। तो आज जो है एक्चुअली मुझे इन्विटेशन मिला है हमारे अरुणाचल प्रदेश ऑल अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन की तरफ से। तो वहाँ पे जाऊँगा मैं, क्योंकि त्रिपुरा से बहुत ही बड़ी पब्लिक फिगर हमारे कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी फिगर है वो। तो इसलिए जो है इनविटेशन मिला है, तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। तो मैं जाऊँगा वहाँ पे। एंड ये कोई पॉलिटिकल वाला पार्टी वाला ऐसा कुछ कैंपेन वगैरह नहीं है गाइस मेरे लिए, बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिकल टाइप ऑफ गाय। हम जो है सिंपल सा इन्फ्लुएंसर है, तो हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते या फिर पॉलिटिक्स में हम सपोर्ट नहीं करते। और पर्सनली भी मुझे पॉलिटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो मैं एज अ गेस्ट, एज अ मुझे रेस्पेक्ट दिया है, मुझे इनवाइट किया है, तो इसलिए मैं जाऊंगा। तो इतने बड़े लोग से मिलने को मिलेंगे तो बहुत बढ़िया बात होगी ना। और हमारे जो कम्युनिटी के बहुत ही बड़े लोग हैं वो, तो मेरे लिए भी बहुत प्राउड वाली मोमेंट होगी। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद सीधा जाऊंगा डायून। मैं जस्ट वीडियो बना ही रहा था गाइस एंड लाइट आ गया। देखो इतना लकी हूँ मैं, डरता है ना मुझसे लाइट। हाँ हाँ। और यहाँ पे एक डॉगी देख सकते हैं दोस्तों, खाने पीने नहीं मिलता है, उसके मालिक लोग देते नहीं है, तो हमारे घर पे ही शिफ्ट हो गया। फिर इसे खाना दिया सुबह सुबह। गाउचे बेटा इसे काटना मत, ठीक है, बेचारा को खाने नहीं मिलता है। और ये यहाँ पे क्यों गंदा हो रहे हो? नो झगड़ा नहीं। हाँ अभी मैं जाता हूँ हैंडपम्प पे पानी, क्योंकि हैंडपम्प से पहले पानी निकालना पड़ता है, उसके बाद ही हम मोटर ऑन कर पाते हैं, नहीं तो हवा लीक होके पानी नहीं आता है। चले 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 मेरा बाहुबली, ये देखो बाहुबली लेके जा रहा है। बहुत भारी है इसलिए मैं उठा नहीं सकती हूँ। फाइनली हो गया। हाँ अभी बाथरूम पे एक दो बाल्टी डालना है बस। तुमने तो फ्रेशा फो लिया ना, फिर से भी होना है, थोड़ा हीरो बन के जाना पड़ेगा। हाँ और इसका पैन देखो ना, इसका पैन सिक्स पैक देखो। ये तिनसुकिया से लिया था ये वाला पैन, बहुत गर्म है, मजा है ठंडा में। हम भी पहन सके ना इसका, पहन सके ना। तो मैं फिर ऐसा फो लेते ये लो फोन। अभी मैं गियर अप हो चुका हूँ गाइस, बिल्कुल राइडर वाला ड्रेस लगाया हूँ, बिकॉज रास्ता पूरा ऑफ रोडिंग होने वाला है और धूल मिट्टी इतना होगा कि क्या ही बताऊँ। तो वहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा अच्छा ड्रेस वगैरह लगाऊंगा, जो सूट वगैरह वो लेके जाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलना है ना, तो थोड़ा अच्छे से जाना पड़ेगा। ऐसे ड्रेस पे जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बढ़िया लग रहा है। ये देखिए ये वाला पेन के साथ ये जूते, मजा लग रहा है ना। और बेचारी ये अभी अकेले हो जाएगी गाउजे के साथ, तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जब तक प्रोग्राम खत्म होगा ना, प्रोग्राम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। ओके ठीक है, अच्छा से ख्याल रखना, ज्यादा काम मत करना, अच्छा आराम से बितना, मम्मी का ख्याल रखना, ठीक है बेटा? तू तो सो रहा है, कहाँ ख्याल रखेगा, आलसी मानुस। चलो अभी मैं जाता हूँ, ठीक है। हाँ। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ डायून में। एक्चुअली मैं बहुत देर हो चुका पहुंचा हुआ, तो मैंने ड्रेसिंग वगैरह भी चेंज किया, मैं राइडिंग जैकेट वगैरह लगा के आया था, पूरा धूल के कारण पूरा ऐसा हो गया ना, क्या ही बताओ। तो दीदी के घर पे जाके मैंने ड्रेसिंग चेंज किया। एंड यहाँ पे मुझे अजय दोस्त और प्रशांत दोस्त मिले हैं। एंड ये अजय दोस्त जो है बहुत साल को बाद मिले हैं ना हम लोग, लगभग 4-5 सालों के बाद मिले हैं शायद। जिस दिन मैं जेरी को लेने जा रहा था गुवाहाटी से, उस दिन मेरे रूम पे था ये 2019 में। एंड वहाँ पे तूने एक हाफ पेन छोड़ के आया था, मैं तेरा हाफ पेन एक साल तक यूज किया। फेसबुक पे ही पोस्ट है इसका, हाफ पेन पहन के। तो अभी जो एक्चुअली यहाँ पे लंच का टाइम हो चुका है गाइस, स्पीच वगैरह हो चुका है, डांस प्रोग्राम वगैरह हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे सभी लोग लाइन पे लग चुके हैं, देख सकते हैं स्टूडेंट वगैरह एंड पब्लिक वगैरह जो भी आए हैं, तो सभी लोग यहाँ पे खा रहे हैं। क्या क्या सब्जियाँ है, लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक। तो यहाँ पे क्या क्या है, आई थिंक इट्स दाल, दिस इज मिक्स सब्जी, दिस इज गोंडो, यस
वी कॉल इट गोंदो एंड दिस इज बीन्स बॉयल बीन्स एंड साग बॉयल और यहाँ पे मछली फिश ग्रेवी गाइस। तो इसी के साथ आज का लंच होगा एंड हमारे जो जिसके लिए एक्चुअली सभी लोग यहाँ पे आए हैं जो हमारा मेहमान है जो गेस्ट है त्रिपुरा से आई है सांतना चकमा। तो वो जो है लगभग और एक घंटे दो घंटे में पहुँच जाएंगे, उसके बाद जो अपना जो प्रोग्राम है ना वो शुरू हो जाएगी। तो अभी सभी लोग खाना खाएंगे, मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है बिकॉज मैं खा के आया हूँ एकदम पेट भर के। तो देखते हैं अभी ज़्यादा इंसिस करेंगे तो खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा, भूख नहीं है मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो यहाँ पे अभी सभी लोग लाइन पे आ चुके हैं खाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज आवर लोकल बिस्कुट सांदी फिदी एंड दिस इज बोरा फिदी एंड बैंग फिदी एंड होगा फिदी। यस बोरा फिदी सांदी फिदी होगा फिदी। हाँ तो जो मैम आई है उनके लिए स्पेशल एकदम सभी गेस्ट के लिए चकमा ट्रेडिशनल ना हर चीज। अच्छा आप लेके आए, आपने खुद बनाया? हाँ अच्छा फिश फ्राई स्मॉल फिश अच्छा ड्राई फिश वाला बीन। तो यहाँ पे लंच होगा अभी मैम लोगों का हेम सुमी हो वो यस। मिनिस्टर से पहले हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं गाइस ट्रेडिशनल बिस्कुट है ना। बहुत टेस्टी हुआ है इसमें बनाना है नारियल है एंड स्वीट स्टिकी राइस एंड तेल में फ्राई करता है जस्ट लाइक पूरी। तो अभी मैम जो है आप पहुंच चुके हैं एंड इतने सारे लोग आए हैं फील्ड में पूरा ट्रैफिक जाम हो गया भाई साहब। तो अभी जा रही है तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं बिताऊंगा, मैम के साथ बातें बातें कर लिया है एंड फ़ोटो वगैरह खिंचा लिया है। तो अभी जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैं टाइम स्पेंड करूँगा एंड देन चला जाऊँगा क्योंकि मेरा दूसरा काम है नहीं है। मेरा जो मेन मोटिव था मैम से मिलना था तो मिल लिया एंड अभी थोड़ा देर बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद मैम का जो प्रोग्राम होगा वो ख़त्म होने के बाद मैं भी चला जाऊँगा बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर वर्क्स हियर दैट्स व्हाई। और काफ़ी सारे लोग आए हैं देख सकते हैं আর সেই ফরে মই অথালিয়ে মান গোজান আমার ইয়ত আজি লইয়ে যশ সমাজ বালেদি হামগুড়িয়ে যারা ছাত্র বালেদি হামগুড়িয়ে যারা। मैं अभी जो है दीदी के घर पे आ चुका हूँ जहाँ पे मैंने ड्रेसिंग वगैरह चेंज किया था ना। तो प्रोग्राम पे जो है अभी काफ़ी लंबा चौड़ा लेक्चर वगैरह होंगे जो कि काफ़ी बोरिंग लगते हैं मुझे। वैसे वैल्यूएबल लेक्चर्स वगैरह होते हैं बट पर्सनली मुझे जो है बोरिंग लगते हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा लेट होने से भी बेकार में समय बर्बाद हो जाएगा, जेरी भी घर पर अकेली है तो जल्दी चला जाता हूँ। तो इसलिए अभी शाम के 2 बजे है तो मैं अभी ड्रेसअप मतलब ड्रेसिंग वगैरह जो है चेंज करके जाऊँगा यहाँ से। और यहाँ पर देखो इतने सारे वाह, तो यहाँ से मैं आंवला भी लेके जाऊंगा दीदी के घर से तो अचार पूरा बनाएंगे हम लोग। तो अभी पहले मैं जो हूँ अपना ड्रेस चेंज कर लेता हूँ। तो अभी मार्केट जाके आए हैं मैं और भांजे, यहाँ पे कुछ शॉपिंग लेके आए हैं दीदी के लिए दीदी के फैमिली के लिए। और अभी मैं खाऊंगा ये देखिए गाय सकते हो मुँह में पानी लाने वाला कैंस ब्लॉक सर का याद आ गया, जब नागालैंड में गए थे ना इसे खिलाया था उन्होंने। तो अभी एक बितुल के स्थल में टेस्टिंग करते है गाय नमक के साथ। वाह वाओ बाप रे बहुत एंग्री वाला है दे चिल्ली। अभी आंवला भी खा लिया पूरा दांत खत्ते कर दिया मैंने। तो अभी जाना पड़ेगा मुझे, निकलना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, जेरी घर पे अकेली है ना। तो अभी चलते हैं हम, अभी मैं घर पहुंचने वाला हूँ दोस्तों। और लेके जा रहा हूँ मैं मछली यहाँ से घर पे, कुछ सब्जी होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो मछली लेके जाते हैं, कितना चिकन खाएँ और लोकल वाला भी कितना खाएँ, कभी कभार चलाने वाला भी खाते हैं हम लोग, इसलिए लेके जा रहा हूँ। काफ़ी रात हो चुकी है, अभी घर पहुँचते पहुँचते देख सकते हैं वाह पूरा अंधेरा अंधेरा होने वाला है।
अभी मैं घर पहुंच गया दोस्तों, बहुत थक गया बा, इतना ऑफ रोडिंग बा, टाइन वाला रास्ता वर्स्ट एकदम बा, बिल्कुल तूतिंग वाला रास्ता की तरह ना। और ये यहाँ पे देखो हमारा मैम साहब पूरा खाना पका रहे हो, क्या सब्जी है? ये बीन्स और बैंगन बनाई है। अच्छा, मैं मछली लाया। अच्छा हाँ, लेकिन लोकल नहीं, चलानी वाला जाएगा। और गाउज जी, और इसे देखो, ये आते ही मेरा क्या हालत कर दिया, पूरा गंदा कर देता है। ऐसा क्यों करते हो बेटा, क्यों गंदा कर देते हो? बहुत भूख लग रहा है यार, ये तो हो गया ना, तो अभी मछली को पकाना पड़ेगा, वो भी बम्बू में, तो फटाफट से अभी बम्बू काट देता हूँ मैं। यहाँ पे पूरा आग को एकदम जला दिया है, और यहाँ पे लाई पत्ता ये खाने के लिए नहीं गाइस, ये एक्चुअली बम्बू में जो है इसको हम लोग देंगे एकदम टाइट, हवा टाइट लीक नहीं होने के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे मछली भी धो दिया है मैंने, तो अभी पकाएंगे। जीरिया पे मसाला एंड ये सब रेडी कर दिया है, तो अभी मिक्स करके पकाएंगे ना। हाँ। बहुत भूख लग रहा है यार, दिन भर भूखा हूँ मैं। मछली में मसाला की जरूरत नहीं है, नहीं आई मीन प्याज लहसुन, दिस आर द मसालास, प्याज को दे दो बस। और ये मिर्च, हाँ दे दो बस, ज्यादा नहीं, थोड़ा हल्का सा। हाँ, और लहसुन, नमक, लसुन, नमक और हल्दी लाओ। हाँ, यहाँ पे है नमक हल्दी। और आज किचन कैसा लग रहा है? वाओ, वहाँ पे भी है स्पेशल, पूरा सजा दिया। कहाँ पे? वो अंदर रूम में, अंदर भी। चलो स्पेशल इसी बहाने देख लेते हैं गाइस क्या है। वाओ, पूरा सजा दिया यार। यहाँ पे देखिए पिताजी का, और यहाँ पे दादी माँ का, दादाजी का फोटो, और यहाँ पे विश्वकर्मा भगवान का। वाओ, नन्हा कन्हैया, इतना सुंदर से सजा दिया गाइस। देखिए यहाँ पे पूरा ऑनलाइन उधर दिया हुआ, प्लास्टिक वाला फ्लावर से पूरा सजा दिया है जेरी ने यहाँ पे भी, और पूरा अंदर में उनका ट्रेडिशनल कपड़े पूरा रख दिया। वाह, क्या ही मस्त डेकोरेट किया है जेरी ने। अभी जो है यहाँ पे टीवी रखेंगे गाइस, मजा आएगा, और मेहमान लोग आने से यहाँ पे भी सो सकेंगे। और यहाँ पे मैं एक रूम बढ़िया सा बना दूंगा, अभी फिलहाल इसको रेनोवेट करने की जरूरत होगी। यहाँ पे मेहमान आने से सुलाएंगे हम लोग, यहाँ पे चारपाई लगाएंगे बेड, तो यहाँ पे सुलाएंगे मेहमान एंड यहाँ पे टीवी रूम पे भी। बस काटा ना लग जाए, टाइट हो गया ना ज्यादा, ये थोड़ी घुसेगा सर। हाँ, वो लास्ट में देंगे एकदम जबरदस्ती। इसमें ना हैंड ग्लव होने से ठीक था ना। हाँ, हाँ। हम लोग मार्केट से लाया ही नहीं, हाँ, मैं लाऊंगा बाद में। हाँ, हैंड ग्लव्स ये सब काम करने, मुझे भी भूख लग रही है यार, तो लेकिन ये जल्दी हो जाएगा ना। हाँ, बस यही तो है बचा। हाँ, है वाला जल्दी पकता है, तो इसको क्या, मिक्स क्या पकाया? इसमें मैंने पका दिया है बैंगन और यहाँ पे बीन्स, कल वो खाएंगे टेरो लिप्स कल। हाँ हाँ, बहुत मुझे खाने का मन कर रहा है, वो भी बम्बू में। खुशबू आ रहा है ना। हाँ, हो जाएगा। हाँ, चालानी है ना, बट फिर भी बम्बू में पकाने से लोकल बन जाता है। पूरा टेस्टी बन जाता है ना। अभी इस सर को जो है जबरदस्ती, वाह, हाँ घुस गया। चलो चलो, हो गया है तुझको तो प्यार सजना। अभी बम्बू को भी आग में दे दिया है गाइस, बढ़िया से पक रहा है, अभी देख सकते हैं बहुत जल्दी पक जाएगा। बोल जल्दी, भूख लग रहा है यार, जल्दी जल्दी पक जाओ मेरे बम्बू चिकन, बम्बू नॉट बम्बू चिकन, बम्बू फिश। और ये वाले देखिए गाइस, दीदी ने जंगल से लेके आया, बहुत ही टेस्टी होता है। कल जब हम लोग टेरो लिप्स खाएंगे ना, उसमें ये वाला देंगे ना, बहुत टेस्टी होता है गाइस। देखिए ये खट्टे होते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, जंगल में पाया जाता है। दीदी को भी भूख लग रहा है, पूरा आकर चाय पी रहे हैं ना। पहले हम लोग जब जंगल में खेती, हाँ, जब मैं एंड्रॉइड फोन से ब्लॉग बनाता था ना, उस टाइम पे ऐसा वाला खाते थे हम लोग जंगल में। और ये मेरा मम्मी ने सिखाई थी कैसे खाते हैं, मैं फर्स्ट टाइम अरुणाचल पे आके ये वाला खट्टा पत्ते को खाते हैं। पहले इसको मालूम ही नहीं था ना, मिजोरम में जब था इसको मालूम ही नहीं था खाता है बोल के। हम लोग तो बचपन से खाते है ये वाला, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है गाइस। फाइनली पक के हो चुका है तैयार गाइस, तो अभी निकालते हैं, भूख भी लग रहा है, ठंडा भी लग रहा है भाई साहब, बहुत ही ठंडा है। ओरे बाबा, चलो इसी गरम से दे, इसी गरम से खा ले तू, इसी पाला वो दे, देखो ना ना जूस, व्हाई सो मच जूस, आई डोंट नो, पानी तो एक बूंद पानी भी नहीं दिया है। वाह, अभी मजा आएगा ना बिरू, सबको इतना भूख लग रहा है पूरा हर भरे में गाइस। ये देखो दो जगह में निकलना पड़ा, एक्चुअली इसमें पूरा नहीं निकल रहा था, पूरा मार मार के निकला, वहाँ पे बम्बू रखा हुआ है, तो ये निकला और ये निकला, तो अभी खाते हैं फटाफट से, बहुत भूख लग रहा है यार, दिन भर भूखा है सभी लोग, बस सुबह में खाए थे, दिन में खाए नहीं ना इसीलिए।
फटाफट से हम लोगों ने पूरा डिनर किया, इतना भूख लग रहा था ना, पूरा फटाफट खाया हम लोगों ने। तो अभी जो है दूध गर्म करने का वक्त है। ये देखिए यहाँ पे दूध भी गर्म हो रहा है और यहाँ पे एक्स्ट्रा दूध भी है। समीर भैया हमेशा हमारे लिए रखते हैं तो मैं आज दुकान से लेके आ गया, दुकान पे छोड़ते हैं। और यहाँ पे दही, इतना ज्यादा दही गाइस, पूरा एकदम प्योर है। जो समीर भैया दूध देते है ना एकदम प्योर वाला देते है, इसलिए देखो पूरा इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, दही पूरा जम चुका है। तो अभी जो है हम इसको चीनी मिला के दोनों खाएंगे ना। चलो चीनी लाओ, दही खाम। मिस्ती दही, फर्स्ट टाइम मैं रात को दही खाऊंगी। हाँ कभी भी चल जाता है, मैं तो कभी भी खाता हूँ, मेरा कोई टाइमिंग नहीं है। ये देखिए गाइस, दही दही पूरा खा जाऊंगा, फिनिश कर दूंगा। पगला है। पीछे में देखो फोटो वगैरह, इतना क्यूट है ना वो वाला बेबी, बहुत ही क्यूट है, देख रहा है बेबी। कन्हैया लाल। चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। खाओ। मैं तो ज्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी फुला फुला है, थोड़ा सा खाऊंगी फिर उसके बाद मैं आराम से सो जाऊंगी। पूरा दही फिनिश कर दिया गाइस, यहाँ पे देखो और भी कितना ज्यादा है, कल से पूरा खाऊंगा और पूरा मोटा हो जाऊंगा। आजकल पूरा डेली दही खा खा के पूरा तगड़ा बन जाऊंगा, बॉडी बिल्डर, और जिम ज्वाइन करूंगा मैं। और यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है ना। तो आज का दिन जो है ओवरऑल अच्छा रहा गाइस, मैं इतने बड़े शख्स से मिला आज और मजा ही आ गया। तो त्रिपुरा से कौन कौन देख रहा है, त्रिपुरा वाले हाजिर हो जाए, बिकॉज वो त्रिपुरा से है तो त्रिपुरा वाले जानते होंगे शांतना चकमा को, बहुत ही बड़े पब्लिक फिगर है एंड इतने बड़े जो है वो मिनिस्टर है। तो उनसे मिला, बहुत ही मजा ही आ गया एंड घर पे आया, खाना वाना खाया और अभी पूरा पेट भर के दही भी खाया, मजा आ गया गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, है ना। बाय बाय, मिलते हैं करने ब्लॉक के साथ।